आज हमारा परसेंटेज का 5वां क्लास है। कल के लेक्चर में हम लोगों ने लगभग 10 से 15 क्वेश्चन का डिस्कशन किया था, आज भी हम 10 से 15 क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ इस परसेंटेज के क्लासेस में। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 72 ग्राम 3.6 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है, यानी कि कह रहा है कि 72 ग्राम है हमारा, 72 ग्राम है, 3.6 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। तो देखिए 1 किलोग्राम बराबर कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम, ठीक, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होते हैं, तो 3.6 किलोग्राम इसको किससे काउंट करना है, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, तो 3.6 को हम 1000 से गुणा कर लेंगे तो ये हमारा किस में बदल जाएगा, ग्राम में बदल जाएगा। अब देखो 6 जीरो 0 6 जीरो 0 6 जीरो 0 और 6 जीरो 0 और 6 एकदम 6, एक फिर भी यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाएंगे, फिर 3 जीरो 0 3 जीरो 0 और 3 जीरो 0 और 3 एकदम 3 कितना है, आप ऐड करेंगे इसको 0 0 0 6 और 3 दशमलव कितने अंक बाद लगा, 1 अंक बाद, तो 1 अंक बाद हम दशमलव लगा देंगे, ठीक। देखते हैं चिन्ह आया 3.6 किलोग्राम बराबर कितने ग्राम, 3600 ग्राम। अब देखिए क्या पूछा है, 72, यही तो पूछता है 72 ग्राम का 3.6 किलोग्राम, अब 3.6 ग्राम होकर के कितना आया, 3600 ग्राम का कितने, ये तो पूछा है का कितना प्रतिशत है, तो यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे 7200 और 3600 और परसेंटेज घटाएंगे तो हमें 100 लिखना पड़ेगा गुणा में करके। अब 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो। अब देखो 18 दुना 36 18 3 18 4 72 2 1 2 2 4 यानी कि कितना आया, 2%। ये जो 72 ग्राम है 3.6 के कितने परसेंट है, 2%। आइए देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। दूसरा हमारा दिया हुआ है 1 चुनाव में 3 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा, एक कोई चुनाव था उसमें कितने प्रत्याशी, 3 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा, ठीक। पहले प्रत्याशी को 40%, पहले प्रत्याशी था जो उसको कितना परसेंट मिला, 40%, और दूसरे को 36% मत मिले, एक को 40% दूसरे को 36% मिले मत मिले, यदि मतों की कुल संख्या 36,000 है, यदि कुल मत पड़े तो उसमें 36,000 मत पड़े तो तीसरे प्रत्याशी को कितने मत मिले होंगे। हमसे पूछा अगर देखो चुनाव हुआ होगा तो कितने परसेंट मत पड़े होंगे, 100% पड़े होंगे ना, 100% मत पड़े होंगे, ठीक। इसमें से पहले को कितने मिले, 40% पहले को मत मिले, दूसरे को कितने मिले, ये पहला प्रत्याशी है और ये दूसरा प्रत्याशी है, दूसरे को कितने मिले, 36% मिले, और तीसरे को कितने मिले, यही हमसे पूछा कि इसको कितने मत मिले, ठीक, ये मतों की संख्या 36,000। तब देखो 100% मत था उसमें से 40% एक को मिला दूसरे को 36%, तो तीसरे को इन दोनों को जोड़कर घटा देंगे 100 में से, तो हमारा तीसरा प्रतिशत मिल जाएगा, क्यों मिलेगा, हाँ मिलेगा, इन दोनों मतों को जोड़ के 100 में से माइनस कर देंगे तो हमारा तीसरा का मत प्रतिशत मिल जाएगा, हाँ मिल जाएगा। तो देखो 36 और 40 कितना होता है, 74 6, यहाँ पे लिखेंगे 36 और 40 कितना होता है, 76, 100 में से 76 जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 24 2 1 बचेगा, 100 में से जब 76 को माइनस करेंगे तो 24 2 बचेगा, 10 में से 6 गए 4 और 9 में से 7 गए 2, यानी कि 24% ना तीसरे को मिले, ठीक। यदि मतों की कुल संख्या कितना था, 36,000, यानी कि 100% का वैल्यू दिया था, 100% का वैल्यू कितना दिया है, 36,000, ठीक।
36,000 है और इस 24% तीसरे प्रत्याशी का मान पूछा है, तो 1% का वैल्यू निकाल लेंगे। 0 से 00 से 00 कट जाएगा, यानी 1% का वैल्यू हमारे पास कितना आया, 360 मान। और तब 24% का वैल्यू निकाल लेंगे, 24% का पूछा था क्वेश्चन, 24% का निकालेंगे। यहाँ पे किसका 36 360 × 24 से गुणा करा देंगे, हमारा तीसरे प्रत्याशी का मत मिल जाएगा। 0 तो एक बार लिखेंगे, देखो 4 0 0 0 6 2 24 के 4 वहां से कितना आएगा, 2 आएगा, 4 3 12, 12 और 2 14 और गुणा में लगाएंगे, 2 0 0 0 6 2 12 के 2 वहां से कितना, 1 3 2 6 6 और 1 वहां से 7 ऐड कर देंगे, 0 4 4 2 6 7 1 8, यानी 8640 मत हमारे तीसरे प्रत्याशी को मिलेगा। ठीक, 8640 देखो कि दूसरे ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। चुनाव उसमें कितने परसेंट मत पड़े होंगे, 100% मत पड़े होंगे। ठीक है, एक उम्मीदवार को कितने परसेंट मिले, 84% मत प्राप्त हुए। ठीक, और जब एक को 84 तो दूसरे को भी न प्राप्त होंगे, 100 में से ही तो माइनस होगा, तो 10 में से 4 जाएगा 6, यहाँ पे 9 बचेगा, 9 में से 8 जाएगा 1, यानी दूसरे को कितने परसेंट, 16% मत प्राप्त हुए। ठीक, एक एक को जब 84% प्राप्त हुए तो दूसरे को अपने आप 16% प्राप्त हुए। ठीक, आप इन दोनों का देख लो अंतर कितना है, 14 में से 6 जाएगा कितना बचेगा, 8 6 14। ठीक, और ये 7 7 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, 6 68%, इन दोनों का डिफरेंस है। और इसी 68% का वैल्यू हमें कितना दिया है, 476 मत। ठीक, 476 मत, 476 अगर ये 68% पाया तो बराबर हो जाता, तो इसलिए इस 68% का मत बराबर कितना दिया है, 686, तो 1% का वैल्यू हम निकाल लेंगे। यहाँ देखो 476/68, 2 से काटो इसको, 3 2 6 4 2 8, इसको भी 2 से काटो, 2 2 4, 3 2 6, 1 हासिल इसमें जुड़ेगा, ये 16 आएगा, 8 2 16, एक बार फिर 2 से काटो, 2 1 2, 7 2 14, इसको भी 2 1 2, 2 1 2, और ये 18 आ जाएगा, 9 2 18, यानी 1% बराबर कितना, 119/17। अब 17 7 कितना होता है, 119, यानी 1% का वैल्यू कितना आया, 17 7 119, 1% का वैल्यू 7 है। ठीक, तो हमसे क्या पूछा है, पूछा डाले गए मतों की कुल संख्या, डाले कितने गए मत, 100% तो मत ही पड़े होंगे, 100% मत पड़े हैं, तो 1 का वैल्यू देखो 7 है, तो 100 का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे देखो 100 को हम 7 से तो मल्टीप्लाई कराएंगे, 100% बराबर 7 × 7, यानी कि उसमें चुनाव में कितने मत पड़े होंगे, 700 मत पड़े होंगे। ठीक, अगर एक पहले प्रत्याशी का पूछे कितना मत पड़ा, दूसरे का पूछे, तो हम क्या करेंगे, इसमें 7 से मल्टीप्लाई करा देंगे, इसमें भी तो हमारा ये निकल आएगा, और इसमें 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो दूसरे का उम्मीदवार का निकल जाए, दूसरे उम्मीदवार का निकल जाएगा कितना मत पाया। ठीक, अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि एक्स का 50% बराबर है वाई का 30%, तो एक्स रेशियो वाई क्या होगा, पूछा है क्या, x का 50%, x जहां पे का लगा हो वहां पे हम क्या लगाते हैं, गुणा लगाते हैं, x का 50% बराबर है किसके, y के 30%, y के 30% से, तो हमसे पूछा है x रेशियो y क्या होगा, यही तो हमसे पूछा है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखो परसेंटेज से परसेंटेज काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे,
पांच एक्स हो जाएगा ठीक, और बराबर में तीन एकम तीन वाई हो जाएगा। अब एक्स बटा वाई क्या आएगा, तीन बटा ये नीचे पांच जो लिखा ये नीचे आ जाएगा पांच, यानी एक्स का वैल्यू तीन और वाई का वैल्यू पांच। तो एक्स लिखा है यहाँ पे, एक्स का वैल्यू कितना है तीन अनुपात वाई का वैल्यू कितना है पांच, रेशियो हमारा क्या आया तीन अनुपात पांच। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। आइए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिलाएं हैं, कोई कार्यालय है उसमें 40% क्या है महिलाएं हैं ठीक, 70% महिला और 50% पुरुष विवाहित है, उसमें से 50% महिला 50% पुरुष और 70% महिला क्या है विवाहित है, और क्या पूछा कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत कितना होगा। कह रहा है कि एक कार्यालय है उसमें 100% अगर कार्यालय होगा तो उसमें कितने परसेंट होंगे 100% होंगे, उसमें से कितने परसेंट महिलाएं हैं 40% महिलाएं हैं, तो बाकी के बचे हो क्या है पुरुष हैं। फिर कह रहा 70% महिला और 50% पुरुष क्या है विवाहित हैं, तो अविवाहित जो स्टाफ है उनका प्रतिशत कितना होगा। देखो एक कार्यालय अब इस कार्यालय में कितने परसेंट होंगे, जो भी होंगे तो 10, 15, 25, 100, 1000, 2000 वो अपने आप में 100% ही तो होगा, तो कितना होंगे 100%। अब इसमें से कितना परसेंट महिलाएं हैं, इसमें से 40% क्या है महिला कितनी है 40% महिला है ठीक, और इसमें जब 40% महिला है तो पुरुष कितने परसेंट है, 100 में से 40 को घटाएंगे तो उतना कितना आएगा हमारा पुरुष हो जाएंगे, तो 100 में से 40 को घटाएंगे तो 60 तो बचेगा, 60 और 40 तो होता है, तो पुरुष हमारे कितने हुए पुरुष बराबर 60% हमारे कितना हुआ बच्चे 60% क्या होंगे पुरुष होंगे ठीक। 100% कार्यालय में 100% स्टाफ होंगे उसमें से 40% महिला होंगी और पुरुष कितने होंगे 60% होंगे। अब इस देखो इसको काट देंगे परसेंटेज यहाँ से कट जाएगा 0 से 0 कट जाएगा, अब 2 × 4, 3 × 6 यानी कि रेशियो हमारा क्या है 2:3 ठीक। अब इसका कितना परसेंट महिला है, इसका 70% क्या है 70% क्या है इसका महिला है ठीक, जो सर अब इसका 70% क्या है अब देखें, अब हम इसको रेशियो बना लिए 2:3, अब देखो इसका कितना परसेंट महिला विवाहित है, तो इसका 70% महिला 70% महिला क्या है विवाहित है ठीक, और पुरुष कितने परसेंट विवाहित है 50% पुरुष क्या है विवाहित है ठीक। अब देखो 2 का 70% निकालेंगे तो हमारा दशमलव में आएगा, यानी कि हम अपने मन से 2 2 0 इसमें बढ़ा दें, क्योंकि इसमें कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं 0 बढ़ाने से, क्योंकि आगे चल के कट जाएगा। अब देखो 200 का 70% कितना होगा, 200 का 70% ठीक, परसेंटेज यहाँ पे परसेंटेज लगा है, परसेंटेज को बताएंगे तो हमें नीचे बटे में 100 लिखना पड़ेगा ठीक। अब 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, अब 7 × 14 यानी कि 140 विवाहित पुरुष कितने हुए, जो विवाहित है विवाहित महिला है विवाहित महिला कितनी है 140 क्या है विवाहित महिला है, और पुरुष पुरुष यहाँ पे लिखा है 300 का 50% देखो 300 का 50% जब निकालेंगे 50% यहाँ पे परसेंटेज आया है, परसेंटेज को हटाएंगे तो बटे में हमें 100 लिखना पड़ेगा ठीक। अब देखो बटे 0 से 0 काटेंगे तो 5 × 15 यानी कि 150 हुए विवाहित पुरुष कितने हुए विवाहित विवाहित पुरुष विवाहित पुरुष कितने 150 कुल स्टाफ कितने विवाहित हुए, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे जितना आएगा उतना हमारा कुल स्टाफ विवाहित होंगे, तो
जीरो से जीरो, चार पाँच चार नौ, एक और एक दो, 290 स्टाफ क्या है विवाहित है, और स्टाफ कुल है कितना 200 और 300 500 स्कूल स्टाफ कितने हैं, कुल स्टाफ कितने 500 है, इसमें से विवाहित कितने हैं 290 290। अब कुल स्टाफ में से दो विवाहित स्टाफ को निकाल देंगे तो अविवाहित ही तो बचेंगे, तो अविवाहित अविवाहित स्टाफ कितने होंगे 10 में से जीरो जाएगा जीरो, 10 में से 9 जाएगा एक, और 4 में से 2 जाएगा 3, यानी कि 310 स्टाफ के होंगे अविवाहित होंगे। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है क्वेश्चन कि कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत बताओ, जो कार्यालय में अविवाहित है उनका प्रतिशत, तो 310 विवाहित कितने 500, और परसेंटेज निकालना है तो हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा। अब देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, दो जीरो से दो जीरो, छपंचे तीस और बचे कितना एक, 10 हो जाएगा 5 × 10, यानी कि 62% में स्टार्ट करेंगे अविवाहित होंगे। ऑप्शन नंबर हमारे दूसरे में दिया हुआ है 62% क्या होंगे अविवाहित होंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 312 रुपए का 66 सही 2/3 200 रुपए से कितना अधिक है, ठीक है, जो 312 रुपए है उसका 66 सही 2/3 कितना 200 से कितना अधिक है, तो देखो 66% कर दिया ना, 66 सही 2/3 इसको हम क्या करेंगे, अब सिंपल फ्रैक्शन में बना लेंगे क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो देखो 18 और 2 20 हासिल कितना आएगा 2 आएगा, 18 और 2 हासिल 20, यानी कि 200/3 ये परसेंटेज में तो दिया है, परसेंटेज यहाँ पे परसेंटेज है, अब परसेंटेज को हटाएंगे तो हमें 1/100 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक। अब 20 से 20 कैसे, 2 × 2 और 3 × 2 2 × 2 और 3 × 3 ठीक, हमारा इसका वैल्यू कितना है 66 सही 2/3 का वैल्यू 2/3। अब उनसे पूछा है कि जो 312 रुपए है, 312 रुपए हैं ये 2/3 का 2/3 का 200 से कितना अधिक है, कितना अधिक है, ठीक है। अब देखो इसको काट देते हैं, 3 × 3 जीरो बढ़ाएंगे, ठीक, 3 × 2 6 4 3 12 और इसको गुणा करा देंगे, 4 × 2 8 और फिर 2 × 0 और 2 × 2 यानी 312 का 312 का 66 सही 2/3 परसेंट कितना आया 208। अब 208 200 से कितना आ गया, यहाँ पे देखो 208 से कितना अधिक है 8 अधिक है, यानी कि हमारा 8 आंसर आएगा। यही तो हमसे क्वेश्चन पूछा था कि जो 312 है ये 66 सही 2/3 का 66, ये जो 312 है 66 सही 3/2, यही तो हमसे क्वेश्चन पूछा था कि 66 सही 2/3 भिन्न 1/3 के कितने प्रतिशत है, ये जो भिन्न है 2/3 ठीक 2/3 है ये 1/3 का कितने प्रतिशत है, ठीक। अब आइए देख लेते हैं 2/3 और
1/3 यहाँ पे परसेंटेज लगा है, परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। अब देखो पास वाले को पास से और दूर वाले को दूर से गुणा करना पड़ेगा, तो 3 × 6 और 3 × 1 = 3 और गुणे में क्या 100, 3 × 1 = 3, 3 × 6 यानी कि आ कितना गया 200%। 2/3 1/3 का कितना है 200%। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि कर दी जाए, कोई भिन्न है उसके अंश में कितने 20% की वृद्धि की जाती है और उसके हर में 5% की कमी की जाती है, उसके हर में कितने 5% की कमी कर दी जाती है, तो नए भिन्न का मान 5/2 हो जाता है। तो जो इसका मान होता है कितना होता है 5/2 हो जाता है, तो प्रारंभिक भिन्न भी जाती है। ठीक, हम मान लेते हैं कोई हमारा भिन्न क्या है x/y, ठीक ये हमारा क्या है तो एक भिन्न है, इसका अंश क्या है ये अंश है इसका और हर क्या है हर y, ये क्या है हर, ऊपर वाले को हम अंश बोलते हैं नीचे वाले को हर, ये डिनोमिनेटर ये न्यूमिनेटर। ठीक, अब हमसे कह रहा है कि जो अंश है इसमें कितने 20% की वृद्धि कर दी जाती है। ठीक है, ये अपने आप में कितना 100% है, x में जब 100% की वृद्धि 20% की वृद्धि करेंगे तो ये वो कितना जाएगा 120%। ठीक, हर कोई संख्या अपने आप में 100% होती है, अगर उसमें हम 20% की वृद्धि करते हैं तो हमारा कितना हो जाता है 120%। अब y भी अपने आप में 100% है, इसमें 5% की कमी करेंगे तो हमारा कितना जाएगा 95%। अब देखो परसेंटेज है और इसका परिणामी भिन्न कितना आता है, हमारा परिणामी भिन्न आता है 5/2 आ जाता है इसका परिणामी। ठीक है, कोई संख्या उसमें 20% की वृद्धि की है तो उस और 5% की कमी की है तो परिणामी भिन्न कितना आया 5/2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो 5% से कैंसिल हो जाएगा, 5 से काट लेते हैं, देखो 5 × 5 यहाँ से कितना आएगा 4, इसमें मिलेगा 55, 11 बचे, देखो 5 × 5 45 हो जाएगा, 9 × 5 = 45। ठीक, अब 5 × 2 = 10 और 2 बचेगा इसमें बढ़ेगा 0 हो जाएगा, 5 × 2 = 20 x = 1 x = 24/y = 19 = 5/2। अब इसको सॉल्व करते हैं, x/y = 24/19 = 5/2। अब देखो ये संख्या इधर क्या है गुणे में, इधर जाएगा तो क्या होगा भाग में हो जाएगा, x/y = 5/2। अब जब इधर भेजेंगे तो ये जो अंश है इसका जो हर है ये अंश में बदल जाएगा और अंश जो है वो हर में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 19/24। ठीक, अब इधर देख लेते हैं, x/y = 9/45, 9/45 = 5 यहाँ से कितना आएगा 4 आएगा, 9/45 = 5 यहाँ से कितना आएगा 4 आएगा और 5 × 5 5 × 4 = 9 यानी 95/4 4 × 8 = 2 2 × 4 = 4 यानी कि हमारा जो पुराना भिन्न था क्या था 95/48 था। हमारे ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ 95/48 है, इसका क्या होगा राइट आंसर।
क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि कर दी जाती है। ठीक है, एक एक जो भिन्न है उसके अंश में पहले तो हम 20% की वृद्धि की और बाद में 20% की कमी कर दी, अतः भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। जब हम 20% की वृद्धि किए उसके अंश में और हद में 20% की कमी भी किए तो उसका परिणामी मान कितना आया, 4/5। तो पूछा तद अनुसार मूल भिन्न ज्ञात कीजिए, तब उसका मूल भिन्न कितना होगा। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। हम मान लेते हैं अंश उसका क्या था, अंश मान लेते हैं उसका यक्ष रहा होगा, ठीक है यक्ष, और हर मान लेते हैं हम वाई रहा होगा। तो एक्स बट्टा वाई, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। पहले ये अपने आप में 100% तो है, ये भी अपने आप में 100% है, जब इसमें 20% की वृद्धि किए तो ये कितना हो गया अपने आप में 120 हो गया। अब इसमें 20% की कमी करेंगे तो ये कितना बचेगा, 80% बचेगा। ठीक है 80%, और इसका जो मान आया वो कितना आया, 4/5 है। ठीक, इसका मान कितना आया, 4/5। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, परसेंटेज से परसेंटेज काट लेंगे, 0 से 0 काट लेंगे, 4 × 8 6 × 12 2 × 4 3 × 6 यानी कि 3x/2y बराबर प्रणाली में क्या है, 4/5। ठीक, अब देखो x/y ये गुणा ही किया 3/2 के साथ, बराबर में क्या लिखा, 4/5। ठीक, अभी इस यहाँ पे गुणा क्या कर देंगे तो भाग कर लेगा, और भाग क्या करेगा, जो ये हर है ये अंश में बदल जाएगा और अंश क्या है हर में बदल जाएगा। तो देखते हैं x/y बराबर 4/5 गुणे में क्या, 2/3। अब x/y बराबर हमारा क्या आएगा, यहाँ पे देख लेते हैं x/y बराबर 4 × 8 और 5 × 15 यानी कि वो मूल भिन्न क्या थी हमारी, 8/15। 8/15 हमारे ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दिया है बी को ए से 20% अंक कम प्राप्त हो, जो बी है उसे ए से कितने 20% अंक कम प्राप्त हो, तो ए को बी से कितने प्रतिशत अंक अधिक मिले। इस तरह के सवाल को लगाने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि जो परसेंटेज में वैल्यू दिया है उसे हमें फ्रैक्शन में चेंज करना होगा। तो देखो 20% दिया है, अब इसको हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में सबसे पहले चेंज कर लेंगे। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, यहाँ पे देखो 20 लिखा है और परसेंटेज जब हटाएंगे तो हमें नीचे 100 लिखना पड़ेगा, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 × 2 और 5 × 10 यानी कितना आया, 1/5। 20% का वैल्यू 1/5, ए को मिले होंगे अगर नंबर 5 तो बी को इससे कितने 1 अंक कम मिले, तो जब इसको 5 मिले इससे 1 कम 5 में से 1 जाएगा तो कितना 4, यानी कि बी को कितने मिले होंगे 4, ए को मिले होंगे 5, बी को मिले होंगे 4। तो हमसे क्वेश्चन पूछा है ए को बी से कितने प्रतिशत अधिक मिले, तो कितने मिले, 4 से 5 कितना अधिक है, 1 अधिक है, किसपे, 4 पे, तो 100 पे कितना हुआ, यही तो पूछा है क्वेश्चन, जो बी है जो ए है बी से कितने प्रतिशत, जो ये ए है ये बी से कितने प्रतिशत अधिक पाए, तो हमारे हिसाब से देख पाए इस पे 4 पे तो 100 पे निकाल देंगे, तो देखो 4 × 4 25 × 100 यानी कि 25 × 25 कितने अंक अधिक पाए, 25% अंक पाए ए ने 25% अंक अधिक पाया बी से।